अस्सलाम दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दोस्तों के लिए जिन लोगों का अभी अभी जो है कि इनिशियल स्टेज का हेयर फॉल हो रहा है, जिन लोगों को बाल थिन होना स्टार्ट हो गया है, पतला होना स्टार्ट हो गया है, जिन लोगों का काफ़ी ज़्यादा बाल जो है कि झड़ रहा है, जिन लोगों का बाल टूट रहा है, बाल जो कि ड्राई हो रहा है, ताकि आने वाला दिन में जो है कि वो गंजापन का शिकार ना हो जाए, उन लोगों के लिए दोस्तों आज 5 ऐसा फूड के बारे में मैं बताने के लिए जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इसेंशियल है हेयर लॉस के लिए, हेयर थिनिंग के लिए, बालों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और DHT को ब्लॉक करने के लिए। इसलिए आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर में दोस्तों कैरोट यानी कि गाजर, जिसके अंदर क्या होता है, बीटा कैरोटीन होता है जो बालों को मजबूती प्रदान करता है। इसके अंदर जो है कि लाइकोपीन पाया जाता है, जो लाइकोपीन क्या करता है, 5-अल्फा रिडक्टेज जो इंजाइम होता है उसको ब्लॉक करता है। 5-अल्फा रिडक्टेज इंजाइम क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से मिक्स करके, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से कंबाइन करके क्या होता है कि DHT प्रोड्यूस करता है, DHT बनाता है। ये 5-अल्फा रिडक्टेज इंजाइम को ब्लॉक करता है, इसके अंदर जो लाइकोपीन पाया जाता है। इसके अंदर बायोटिन भी पाया जाता है जो बालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ई के साथ साथ इसके अंदर जो काफ़ी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो बालों का हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। कैरोट यानी कि गाजर नॉर्मली हर जगह अवेलेबल होता है। इसको जो कि आप सैलेड के रूप में खा सकते हैं, कच्चा खा सकते हैं, इसका जो कि गाजर का हलवा बना खा सकते हैं, इसका जो है कि सब्जी बना खा सकते हैं, कुछ भी तरीका से इसको आप खा सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आप इसको जो है कि खा सकते हैं और ये डाइजेशन सिस्टम को भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता है। दो नंबर में है दोस्तों करी लीफ। करी लीफ के अंदर जो है कि बीटा कैरोटीन होता है, इसके अंदर जो कि प्रोटीन पाया जाता है जो बालों को मजबूत रखता है, बालों को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। इसके अंदर आयरन, विटामिन बी, विटामिन सी पाया जाता है जो बालों को नॉरिश करता है, जो स्काल्प को नॉरिश करता है और बालों को हेल्दी बनाए रखता है। करी लीफ को आप डायरेक्टली खा सकते हैं, इसका जो कि पत्ता को आप डायरेक्टली खा सकते हैं। करी लीफ को जो है आप पेस्ट बना करके बालों पे लगा सकते हैं और इसको जो है कि खाने वाला चीज़ में, भोजन वगैरह में अक्सर लोग जो है कि इस्तेमाल करते हैं, इस तरह से भी करी लीफ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी तरह से, या इसका पाउडर बना करके इसको जो कि पाउडर के रूप में भी आप खा सकते हैं। करी लीफ काफ़ी फायदेमंद है बालों के लिए और प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर को, प्री मैच्योर वाइट हेयर को भी ये ब्लैक करता है, यानी कि ग्रेइंग हेयर का जिसको प्रॉब्लम हो रहा है, जिसका बाल समय से पहले ग्रे हो रहा है, वाइट हो रहा है, उसको भी ये सही करता है, ये बालों को कलर को मेंटेन करके रखता है। तीन नंबर में दोस्तों बटर मिल्क। अगर पेट का प्रॉब्लम है, पेट का डाइजेशन का प्रॉब्लम के वजह से बाल अगर झड़ रहा है और जो कि बालों तक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं पहुंच पा रहा है पेट का प्रॉब्लम की वजह से, तो आप बटर मिल्क का भी सेवन कर सकते हैं। बटर मिल्क का सेवन करना बिल्कुल आसान है। इसका सेवन करने से क्या होता है कि पेट का काफ़ी सारा प्रॉब्लम सही होता है, ये जो कि प्रोबायोटिक का भी काम करता है और पेट का डाइजेशन सिस्टम को सही करता है और ये हीट एब्जॉर्बिंग होता है। पेट के अंदर का गर्मी जो होता है, काफ़ी सारे लोगों से आप सुने होंगे कि पेट का गर्मी की वजह से बाल झड़ता है, तो ये पेट का गर्मी को भी मेंटेन करके रखता है और इसके अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, जिंक पाया जाता है जो कि बालों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। चार नंबर में दोस्तों आंवला। आंवला के अंदर जो है कि काफ़ी सारा विटामिन, न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है। इसके अंदर जो है कि स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि बालों को रीजेनरेटिंग का काम करता है, यानी कि रीग्रोथ का काम करता है। आंवला टॉप DHT ब्लॉकिंग फूड के अंदर आता है। ये जो है कि DHT को ब्लॉक करने में काफ़ी कारगर है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, DHT अगर ब्लॉक होता है तो हमारा बालों का फिर से रीग्रोथ होने लगता है। काफ़ी सारा लोगों को डायरेक्टली आंवला खाने में बेहतर नहीं लगता, इसका टेस्ट सही नहीं लगता है, तो इसको जो कि आप जूस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला का अचार बना के, आंवला का मुरब्बा विथ हनी में मिला करके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और मार्केट में जो कि आंवला का पाउडर, आंवला का टैबलेट भी अवेलेबल है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पाँच नंबर में है दोस्तों आलमंड यानी कि बादाम। बादाम को हेयर फूड भी कहा जाता है और ये हेयर फूड जो है कि इसके अंदर सारा न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है जो कि एक बालों के लिए संपूर्ण इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारा इसके अंदर होता है। आलमंड के अंदर दोस्तों प्रचुर मात्रा में बायोटिन पाया जाता है। आप सभी को पता होगा कि बायोटिन का कमी की वजह से हेयर फॉल होता है, बाल टूटता है, बाल स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, बाल मोटा नहीं हो पाता है। इसके अंदर जो कि प्रचुर मात्रा में बायोटिन पाया जाता है,
मन के अंदर दोस्तों बालों का मॉइस्चर मेंटेन करने का क्षमता होता है, ये बालों का मॉइस्चर को बरकरार रखता है, बालों को मॉइस्चर को जो है कि ड्राई होने नहीं देता है, यानी कि बालों को सूखने नहीं देता है, जिसकी वजह से बाल क्या होता है कि हेल्दी होता है और स्ट्रोंग रहता है और बाल नहीं टूटता है। उसके साथ ही ये बालों को प्री मैच्योर ग्रे होने नहीं देता है, प्री मैच्योर यानी वक्त से पहले जो कि बालों को सफ़ेद होने नहीं देता है, बालों को ग्रे होने नहीं देता है, ये बालों का कलर को मेंटेन करके रखता है। इसके अंदर काफ़ी न्यूट्रिएंट्स तो पाया ही जाता है, उसके साथ इसके अंदर भरपूर मात्रा में जिंक और विटामिन ई भी पाया जाता है जो DHT को ब्लॉक करने में काफ़ी कारगर है, DHT को ब्लॉक करने में काफ़ी असरदार होता है। इन पांचों फूड का दोस्तों अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका हेयर का काफ़ी सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और ये बिल्कुल नेचुरल है, ये हेयर के लिए ही नहीं बल्कि स्किन के लिए भी काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी फायदेमंद है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।